हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं आज बाहर और रॉजर आज थोड़ा सा ज़्यादा परेशान लग रहा है, जैसे कि इनकी चवन्नी गिर गई हो तो लेट गया। पता नहीं क्यों परेशान है, सुबह से बहुत चिल्ला रहा है। तो हम थोड़ा आराम कर लेने देंगे इनको, क्योंकि इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करवानी है। तो थोड़ा सा बैठ के ये चल कर आए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये रेस्ट कर लें, उसके बाद ही शुरू करते हैं। और जो ट्रेनिंग के लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप है और डॉग्स बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए जो आइडियल टाइम होता है वो होता है शाम का टाइम या बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम। इस टाइम गर्मी नहीं होती है तो बहुत परफेक्ट रहता है उस टाइम। आ जाओ इधर, इधर सब गर्मी का सर है, परेशान हो रहा है। आई डोंट नो कितना रिएक्ट करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये ठंडा है यहाँ पर। ओहो भाई साहब, पानी देना नहीं भूलते, पानी ज़रूर देंगे। तो वहाँ चलते हैं ना, यहाँ पे एक पेड़ है जिसके नीचे थोड़ी सी छाया है, वहाँ कोशिश करते हैं जाने की। आई होप बबली और रिंकू वहाँ ना बैठे हो। क्या हो गया क्या हो गया, चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, चलो चलो। बबली बबली को मुझे देखा, रिंकू भी शायद यहीं होगा हमारे पीछे जगह पर। चलो पहुंचते हैं पेड़ तक, फिर दिखाते हैं। ट्रेनिंग से पहले ये भी जरूरी है कि डॉग्स का स्टैमिना हो, क्योंकि अगर जल्दी थक जा रहा है तो फिर इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा, ना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो स्टैमिना बढ़ाने के लिए दौड़ना चाहिए और हल्का सा दौड़ाना चाहिए। अब दबाने के लिए ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड बर्स्ट कर जाता है। तो हार्ड बर्स्ट कर जाएगा तो बहुत मतलब रेयर केस है हार्ड बर्स्ट कर गया। बट इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ, हाँ निकलो। कभी कभी डॉग बेहोश होकर गिर जाते हैं, दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर गिर गए, तो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं हल्के से कोशिश करूँगा। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आ जाओ, क्या फेंका है लोगों ने। काफ़ी गंदगी है, हाँ तो यहाँ कुछ करने वाला हूँ। आ जाओ चलो 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 चलो, आज इधर आ जाओ बस आ जाओ। Thank you.
मिड डे जगह परफेक्ट है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत हल्की हल्की ब्रीज, और ये परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ी देर बैठ लो तुम। ओके परफेक्ट, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और हाँ, सबसे ज़रूरी है ट्रेनिंग के लिए ट्रीट्स, तो मेरे पास है ये, इसको कहते हैं बिस्किट ट्रीट्स। और ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगे ट्रीट ही दी जाए, इट कुड बी एनीथिंग दैट योर डॉग्स लाइक। तो अगर डॉग को पार्ले जी बहुत पसंद है तो पार्ले जी दो, ये उसका अपना डिफरेंस है, क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद है अगर वो दिखा के चीज़ें कराई जाएँ तो वो बहुत ईजिली करेगा। ये मगरमच्छ स्टाइल में लेटना, ये इनका फेवरेट है, तो मैं इनको थोड़ी देर ऐसे छोड़ रहा हूँ कि आराम कर ले, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, कोई आ रहा है क्या? ना, नो वन। ओके, तो देखते हैं क्या रिस्पांस करते हैं रॉजर। अब लेटिंग क्रैप अ ट्रीट फर्स्ट। रॉजर, सेट 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 सेट, लो इधर लो, जल्दी से अपना वो लीज कर दे रहा है फोकस, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें फर्क पड़ रही हैं। इधर 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 सेट, लो ये लो लो, को सिखाने के लिए पेशेंस, टाइम और ट्रस्ट चाहिए। कोई भी डॉग सीख सकता है और लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ भी सिखाया वो तुरंत सीख जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए और ट्रस्ट भी। सब कुत्ते सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका नहीं सीख रहा है, तो टाइम लगेगा, धीमे धीमे सीख जाएगा। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ, लो सेट डाउन, सेट सेट सेट। अब पता नहीं मेरे बोलने से बैठा है कि सब खुजली हो रही है उससे बैठा है। अच्छा, आ जाओ रॉजर रॉजर, सेट सेट। नहीं मन करता इसका, मैंने कहा ना गर्मी एक फैक्टर बन सकती है, मेरी यहाँ पे गर्मी अपना काम दिखा रही है। ये लो रॉजर रॉजर, मैं भी ऐसे ही खाने को दे रहा हूँ। अब दो, बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, गुड बॉय गुड बॉय। चीज़ों को समझ रहा है, कर भी रहा है, लेकिन ये सिर्फ गर्मी है, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो इसका तो बहुत बुरा हाल होगा। ट्रेनिंग का आइडल टाइम सिर्फ शाम का ही होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा लो रॉजर, आ जाओ इधर 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 सामने आ जाओ, आ जाओ इधर रॉजर रॉजर रॉजर। ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते इंग्लिश ही समझते हैं, ऐसा भी कभी कभी कहा जाता है कि डॉग्स हमेशा मतलब इंग्लिश ही समझते हैं, सिट डाउन स्टैंड अप वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। डॉग्स हैंड जेस्चर समझते हैं कि तुमने इशारा क्या किया है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो वोकल पे ध्यान दे रहे रखते हैं कि तुम बोल कह रहे हो। तो अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही बोला जाए, हिंदी भी बोल सकते हैं, बैठ जाओ खड़े हो जाओ ऐसा सब। तो वो रिस्पॉन्स करेगा स्टार्टिंग में, हैंड जेस्चर देखता है कि किस तरह इशारा किया जा रहा है बैठने के लिए खड़े होने के लिए। ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। लो रॉजर रॉजर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, सेकंड करो सेकंड करो, नहीं सेकंड करो,
मेरे इसी हाथ में पकड़ा हुआ ट्रेड चेकिंग करो भाई साहब। ये लो खुजली मची है, लो लाओ इधर लाओ रोजर, बहुत परेशान हो रहा है, रुक नहीं रहा, एक जगह घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। जाओ रोजर रोजर, वो धूप है वहाँ कहाँ जा रहे हो, कहीं जगह भी नहीं है कि मैं उसका स्टॉक फंसा सकूँ कहीं पर, ताकि एक जगह रुका रहे। इस पर कर सकते हैं क्या, इसी कर सकते हैं, टेम्पररी है, अगर कोई आता है तो मुझे तुरंत खींचना पड़ेगा, ये फट जाएगा। लाओ ब्रदर इधर आओ, सेकंड करो सेकंड करो, नहीं 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 सेकंड करो, दूसरा नेक्स्ट हाई फाइव, हाई फाइव को ठीक से, ये गुड बॉय गुड बॉय। तो अभी मैं निकलता हूँ उसको लेके, कोशिश करेंगे कल कल वॉक शाम को करें, ताकि थोड़ी ठंडी हो, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करे। तो मिलते हैं कल, तो बाय।